को फाउंडर मोतीलाल ओसवाल की डिफरेंट पोर्टफोलियोज के जरिए मैनेज करते हैं उन्होंने सबसे ज्यादा कैपिटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और आईटी सेक्टर में निवेश किया हुआ है इस वीडियो में उनके लार्ज कैप और कुछ मिड कैप स्टॉक्स डिस्कस किए जाएंगे उनके पोर्टफोलियो के पहने स्टॉक्स इंक्लूडिंग ने आईसीआई बैंक लिमिटेड एच डी एफ सी बैंक एक्सिस बैंक लिमिटेड के स्टॉक्स पिक किए हैं फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक एस बी आई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेस लिमिटेड में रामदेव अग्रवाल ने, ने निवेश किया है इसका मार्केट कैप सेवेंटी फोर थाउजेंड करोड़ रुपीज करंट प्राइस सेवन हंड्रेड इंडियन रुपीज है इसका आर ओ सी थर्टीन परसेंट परसेंट है एस बी आई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडी है जो कि इंडियन कंज्यूमर्स को क्रेडिट कार्ड इश्यू करने में इन्वॉल्व है यह कुछ समय पहले ही 2020 में एक पब्लिक कंपनी बनी थी वही मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का स्टॉक भी पिक किया गया है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मार्केट कैप करोड़ रुपीस और करंट प्राइस सर्विस है और आर इंडिया का लार्जेस्ट नॉन बैंक लाइफ इंश्योरर मैक्स लाइफ इंश्योरर में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज एट्टी वन परसेंट का स्टेक ओन वो मैनेज करता है नेक्स्ट फाइनेंस सेक्टर स्टॉक फ्रॉम मिस्टर रामदेव अग्रवाल पोर्टफोलियो इस एंजल वन लिमिटेड यह ब्रोकिंग ट्रेडिंग व लैंडिंग में इन्वॉल्वड है यह अपने कस्टमर्स को इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है इस मिड कैप कंपनी का मार्केट कैप 15000 करोड़ रुपीस है एंजल 1 का करंट शेयर प्राइस 1800 इंडियन रुपीस है इसका आरओसी 44% और आरओई 47% है यह 36% का डिविडेंड पेआउट दे रही है एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में भी मिस्टर रामदेव अग्रवाल ने मोतीलाल ओसवाल के पोर्टफोलियो के थ्रू निवेश किया हुआ है इसका मार्केट कैप एक लाख तीस हजार करोड़ रुपए व करंट प्राइस ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज है एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस का आर ओ सी फिफ्टीन परसेंट व आर फोर्टीन परसेंट है अगला फाइनेंस सेक्टर का मिड कैप स्टॉक सी डी एस एल यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड का है CDSL का मार्केट कैप थर्टीन थाउजेंड करोड़ रुपीज व करंट शेयर प्राइस थर्टीन हंड्रेड रुपीज़ है इसका आर ओ सी थर्टी परसेंट व आर ओ ट्वेंटी थ्री परसेंट है यह फिफ्टी टू परसेंट का डिविडेंड पे आउट दे रही है सी डी एस एल कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है यह सिक्योरिटीज का ट्रांजेक्शन करता है यह एक्सचेंजेस इशोर्स और इन्वेस्टर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अब मिस्टर रामदेव अग्रवाल के पोर्टफोलियो की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज के स्टॉक्स डिस्कस किए जाएंगे द लार्ज कैप बेस्ड स्टॉक एच सी एल को ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज में बाय किया जा सकता है यह सिक्सटी फाइव परसेंट का डिविडेंड पे आउट दे रही है यह रेवेन्यू के हिसाब से इंडिया की टॉप फाइव टैक्स कंपनीज में से एक है एच सी एल का आर ओ सी ट्वेंटी एट परसेंट व आर ट्वेंटी थ्री परसेंट है

470 रुपीस है यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कंसल्टेंसी रिलेटेड सर्विसेज में इंगेज्ड है यह आईटी कंपनी प्राइमरीली फाइनेंस इंश्योरेंस और लाइफ साइंसेज के क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर और आईटी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है इट इज पार्ट ऑफ द सी के बिरला ग्रुप बिरला सॉफ्ट कंप्राइजिंग ओवर टेन प्लस प्रोफेशनल्स बिल्डर सॉफ्ट लिमिटेड का रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉय सेवेंटीन परसेंट व आर ओई थर्टीन परसेंट है या ट्वेंटी एट परसेंट का डिविडेंड पे आउट दे रही है इट्स स्टॉक प्राइस ग्रोन विद एन एनुअल कंपाउंडेड रेट ऑफ सिक्स परसेंट देन ऑटो सेक्टर से मिस्टर रामदेव अग्रवाल ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में निवेश किया है इसका मार्केट कैप थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ रुपीज है मारुति सुजुकी का करंट स्टॉक प्राइस टेन थाउजेंड रुपीज है इसका आर ओ सी फोर्टीन परसेंट इलेवन परसेंट है यह थर्टी सिक्स परसेंट का डिविडेंड देती है इट इज सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर इन द कार मैन्युफैक्चरर्स स्पेस ऑफ इंडिया

टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स और इनकी एक्सेसरीज़ मैन्युफैक्चर करती है रॉयल एनफील्ड की ओनर मोटरसाइकिल सेगमेंट को करने वाली ऑटोमोबाइल कंपनी आइकर मोटर्स लिमिटेड में भी मिस्टर रामदेव अग्रवाल ने निवेश किया हुआ है यह टू व्हीलर के प्रीमियम सेगमेंट को केटर कर रही है सिंस अ लॉन्ग टाइम इसका मार्केट कैप 95,000 करोड़ रुपीस करंट प्राइस 3,000 रुपीस आरओसी 27 परसेंट 21% ये 34% का डिविडेंड पे आउट दे रही है यह मिडिल वेट मोटरसाइकिल्स का ग्लोबल लीडर है देन लार्ज कैप स्टील इंडस्ट्री से एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड में भी मिस्टर रामदेव अग्रवाल के पोर्टफोलियो का हिस्सा है एपीएल अपोलो ट्यूब्स ब्लैक पाइप्स कैलविनाइज ट्यूब्स जैसे स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है यह इस सेगमेंट की मार्केट लीडर फॉर्म है इस कंपनी का शेयर प्राइस फिफ्टीन है और मार्केट कैप फोर्टी टू थाउजेंड करोड़ रुपीज है इसका आर ओ सी ट्वेंटी पास थ्री स्टॉक प्राइस करीबी कागज के कागर के साथ बढ़ रहा है टाटा टी बनाने वाली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस में इसकी ग्लोबल प्रेजेंस है यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टी कंपनी है इसका मार्केट कैप 83,000 करोड़ रुपीज और करंट प्राइस एट हंड्रेड है Tata Consumer Products ka ROC 9% for ROE 6% It's giving a dividend payout of 56%. Then the next large cap stock Phoenix Mills Limited is trading at a price range of around 1800 Indian rupees. Phoenix Mills Limited India car leading mall developer or operator कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और होटेल्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं इसका मार्केट कैप थर्टी थ्री थाउजेंड करोड़ रुपीज है इसका आर ओ ही इलेवन प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज से इसका एट्टी थ्री परसेंट रेवेन्यू आया है ये एटीन परसेंट का डिविडेंड पे आउट दे रही है इन द पास थ्री इयर्स दिस स्टॉक हैज ग्रोन विद परसेंट

देन पावर केबल सेगमेंट को केटर करने वाली कंपनी के ई आई इंडस्ट्रीज का करंट शेयर प्राइस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज है आर ओ सी ट्वेंटी फाइव परसेंट और आर ओई ट्वेंटी परसेंट है पास थ्री ईयर्स में इसका स्टॉक प्राइस नाइन्टी थ्री परसेंट के कागज के साथ बढ़ा है यह ई एच वी एच टी एल टी केबल्स जैसे वायर्स और केबल्स बनाती है और सेल करती है मिस्टर रामदेव अग्रवाल के स्टॉक पोर्टफोलियो के कुछ और मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए अगली वीडियो देखें थैंक यू